बहुत ही अच्छे अच्छे स्वीट कॉर्न मिलते हैं, मकई मिलते हैं। तो मकई के आज हमने दो तरह के नाश्ते बनाए हैं, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से बनता है ये नाश्ता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ ये मकई का नाश्ता। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छी और कच्ची कच्ची मकई आ रही है, तो इसका तो बनाना कुछ बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो कैसे बनता है देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 6 मकई ले लिए, इसे छील लिए, वॉश कर लिए, और एक तरफ हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे हम बॉईल कर लेंगे। पानी हमारा गर्म हो रहा है, अब इसमें हम सारे मकई को डाल देंगे, इसको 10 से 15 मिनट ऐसे बॉईल कर लेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे नमक, जिससे इसका मकई में थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा फीका फीका लगेगा। मकई हमारा बॉईल हो चुका, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसके हम दाना निकाल लेंगे, आप चाहे तो काट के भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं काट के नहीं निकालूंगी, क्योंकि उसके जो ये जो अंदर का पार्ट है वो भी साथ में निकल जाता है, तो उससे इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसीलिए मैं इस तरह से निकलेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसका दाना। ये देखिए, ठंडा होने के बाद आप थोड़ा निकालिए, अभी थोड़ा गर्म है, मैं इसे थोड़ा पकड़ने में दिक्कत हो रही है मुझे, आप थोड़ा ठंडा करके इसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने सारे दाने निकाल लिए, बहुत इजी से निकल जाती है। तो चलिए आग करते हैं आगे की प्रोसेस। हमने ले लिए एक कढ़ाई, कढ़ाई में 1 चम्मच बटर डाल देंगे, इसमें डाल देंगे मोटे मोटे चॉप किए 1 प्याज, थोड़ी सी डाल देंगे अदरक, इन्हें थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। 4 कली छोटी छोटी हमने लहसुन डाल दिए, अगर आप ना खाते तो स्किप कर सकते हो। लहसुन प्याज हमारे हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम 4-5 हरी मिर्च, ये तीखी नहीं है इसीलिए मैं 4-5 डाल रही हूँ, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम कॉर्न को भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे इसमें, ताकि इसमें हमारे जो प्याज लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके अंदर हम डाल देंगे जो हरा धनिया के डंठल जो पार्ट्स है उसके डाल देंगे, इसका इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसके डंठल बहुत फ्लेवरफुल होता है, तो इसे जरूर डालिएगा, इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। हमारा सॉटे हो चुका है, अभी गैस को कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, इसे डाल देंगे किशमिश, 4 हरी मिर्ची, ये टेस्ट तीखी नहीं है इसीलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम खाना चाहते हैं तो कम डाल सकते हो। थोड़ी सी डाल देंगे काजू, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम पनीर, डालेंगे काला नमक, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाहते नींबू का रस डाल दीजिएगा, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर। ये देखिए बढ़िया सा एक क्रीमी टेक्सचर आ गया, इसको हम निकाल लेंगे। फिर मिक्सर के अंदर हमारे जो कॉर्न है ये ठंडी हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का, बहुत ज़्यादा हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे इसे निकाल लेते हैं, बाकी का भी हम पीस लेंगे। ये देखिए सब कॉर्न को हमने पीस लिए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे महीन नहीं करना था, इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था हमें। अब इसके अंदर डाल देते कुछ और चीज़ें, थोड़ी सी डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी 1 चम्मच हम डाल देंगे छोटी चम्मच काला नमक, चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच भर के अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने डाले हैं काला नमक, टेस्ट करके आप डाल लीजिए। 2 आलू हमने छोटे छोटे मीडियम साइज के
उसे बॉईल करके हमने ग्रेट करके रखे थे उसे डाल दिए। इसे डालेंगे पनीर क्रश करके, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच डाल देंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे हमने कटा हुआ प्याज भी डाल दिया, ये ऑप्शनल है। अब इसके अंदर डाल देंगे लास्ट में हरा धनिया। अब इन्हें भी बढ़िया से मिक्स कर लेते। देखिए बढ़िया हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके थोड़े छोटे छोटे हम दो तरह के हम नाश्ता बनाएंगे। थोड़ा सा बॉल ले लेंगे, हम एक पहला नाश्ता इस तरह का हम टिक्की का शेप दे देंगे, इसे बना लेंगे इस तरह से। कुछ को मैंने बना लिया, देखिए मैं अभी एक बार के लिए इतना ही बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इन्हें हम डाल देते हैं। इसी तरह से हम एक तरफ सिक जाएगा तो पलट देते हैं, पलटते पलटते हम इसे गोल्डन फ्राई होते तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इन्हें निकाल लेंगे, बाकी का भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमारी कॉर्न आलू और पनीर की टिकिया बन के रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी बना, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब दूसरा नाश्ता भी हम रेडी कर लेते हैं। अब दूसरे वाले में हम छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, इसे हाथों में फैला लेंगे फ्लैट करके। अब हमने जो पनीर और धनिया पत्ती की एक चटनी बनाई थी जो, उसको इसमें डाल के इसके अंदर पोर कर देंगे, इसे कवर कर देंगे और इसको बॉल शेप में ले आएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारा बना लेते। एक और आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये ले लिया एक छोटा सा पोर्शन, इसको फ्लैट कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम पनीर और धनिया पत्ती की चटनी, इसे कवर कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से इसे कवर करके गोल बना लेंगे, बॉल बना लेंगे। बढ़िया से हमारा एक बॉल बन के रेडी हो गया। ऐसे ही हम बाकी का भी रेडी कर लेते हैं। अब सारे बॉल्स को हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम ही डालेंगे। थोड़ी देर तक हम इसे नहीं चलाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। लो टू मीडियम में हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे अपर पैन में भी फ्राई कर सकते हो, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ इसे। बॉल्स हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बॉल्स बन के, चाहे पनीर बॉम बोलिए चाहे कॉर्न बॉम बोलिए, बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हमारे बॉल्स बन के रेडी हो गया। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। ये हमारे मकई के दो तरह के नाश्ते बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, मेहमानों को खिलाइए, आप खुद बनाइए खाइए, बनाइए खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते कोई अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।